नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आ चुका है 2 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, बजट में चाइना और पाकिस्तान की हेकड़े निकालने की तैयारी है। जहां रक्षा बजट में बढ़ोतरी, वहीं सीमा पर चीन को करारा जवाब देने के लिए डेवलपमेंट पे बड़े पैमाने पे बजट। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश के किशोर को चीन ने दिए थे बिजली के झटके, लात घूसों से की थी पिटाई, हाथ पैर बांध दिए थे, ये बेहद दर्दनाक खुलासा किया है। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पाकिस्तान कोर्ट ने नवाज शरीफ को घोषित किया भगोड़ा, ये हम आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, जहां पे यूएनएससी में रूस यूक्रेन की सीमा विवाद पर भारत ने बनाई दूरी, और भारत ने किया कुछ ऐसा कि रशिया ने भारत को धन्यवाद किया है। चीन और भारत के इस एक्शन पर रूस ने धन्यवाद किया, वो हम आपको बताएंगे कैसे यूएन में रूसी खेमे में जा खड़ा हुआ भारत। वहीं श्रीलंका ने शिकार करने के आरोप में भारत के 21 मछुआरों को गिरफ्तार किया है, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट लेके आया, बजट में आपको क्या मिला है वो भी आपको बताएंगे। और इस बीच सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। जहां पर चीन कर रहा पत्रकारों का विरोध, वहीं यूट्यूबर्स पर यूट्यूब पे प्रधानमंत्री मोदी का बजट डंका, एक एक करके बताएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी वालों को फिर दी चेतावनी, तो एक एक करके। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप भी मानते हैं इस देश के इंडियन आर्मी पे गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दे बिग ब्रेकिंग, जहां पे सेना बजट को लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर बड़े फैसले हुए हैं, जिसके बाद से पूरी तरीके से बौखलाए और तिलमिलाए हैं चाइना और पाकिस्तान। जी हां, कल बजट पेश किया गया और इस बजट में आपको बता दे लद्दाख और चाइना को लेकर बहुत कुछ मिला है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत बजट में बहुत कुछ मिला है। दरअसल केंद्र सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि चीन बॉर्डर पर बसे गांवों को विकसित किया जाएगा। ऐसे गांवों में खास करके पैसे बढ़ा दिए गए, यानी डेवलपमेंट के काम जो है वो तेजी के साथ किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर बकायदे घर जो है वो सरकार बनवाएगी। बजट में पूरी तरीके से फोकस है, आपको बता दें। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्रों में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि रक्षा क्षेत्रों में बजट और बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में जिस तरीके से बजट से लेके रक्षा क्षेत्र से लेके तमाम चीजों तक जो है वो सेना बढ़ोतरी की गई है, और इसी को देखते हुए अब चाइना और पाकिस्तान पूरी तरीके से न केवल बौखलाए हुए हैं बल्कि तिल मिलाए हुए भी हैं। और रक्षा क्षेत्र के साथ साथ जिस तरीके से चीन से सटे इलाके में ये चीजें निकल के आई हैं, इसके बाद से चाइना जो है वो पूरी तरीके से बौखलाया। चाइना का कहना है कि भारत सरकार बजट में बॉर्डर इलाके में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तरीके से उकसावे वाली हरकत है। यानी जो भार जो खास करके सरकार ने सीमावर्ती इलाके को डेवलप करने की जो बातें कही हैं, अब उसको जो है चाइना इसे उकसावे वाली हरकत बता रहा है। अब आप चीन की बात समझ सकते हैं कि चीन जो है अपने इलाके को अगर वो करे तब तो वो ठीक है, अगर भारत कुछ डेवलपमेंट की बात करे तो वो उकसावे वाली हरकत हो जाती है। अब चाइना की इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के किशोर को चीन ने दिए थे बिजली के झटके, लात घूसों से की थी पिटाई, पिता का बड़ा खुलासा। दरअसल आपको बता दे चीन की क्रूरता दुनिया भर में मशहूर है। अभी बार फिर से इससे जुड़े मामला सामने आया है। अपने बीते दिनों मीरान तौरन के बारे में सुना ही होगा आपने, वहीं 17 साल का लड़का जिसे अरुणाचल प्रदेश से किडनैप कर लिया गया था। ये किडनैपिंग गुंडे मवालियों ने नहीं बल्कि चीन के सैनिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने की थी। भारतीय सेना की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार मीरान अपने परिवार के पास लौट आया, और लेकिन उनके पिता ने दावा किया है कि उनके बेटे को चीनी सेना ने बिजली के झटके दिए थे और उनके साथ खूब मारपीट की गई थी। मीरान की मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया था। जिला उपायुक्त शाश्वत सौरभ ने बताया है कि भारतीय सेना ने सोमवार शाम को अपर सियांग जिले में तूतिंग में एक कार्यक्रम में मीरान तोरण को उनके माता पिता से मिलाया था।
लेकिन जिस तरीके से ये खुलासा हुआ उसके बाद से चाइना के ऊपर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और चाइना कहीं ना कहीं तरीके से चाइना को लोग पूरी तरीके से जमकर गरिया रहे हैं ट्विटर पे। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें यूएनएससी में भारत ने दिया रशिया का कर दिया इनडायरेक्टली समर्थन, तो रूस ने कहा धन्यवाद। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन की स्थिति पर बैठक से पहले चीन के प्रति प्रक्रियागत मतदान के खिलाफ मत देने और इसमें भारत केन्या गैवान की अनुपस्थिति रहने पर संयुक्त राष्ट्र में एक रूस के राजनयिक ने मतदान से पहले अमेरिकी दबाव के बावजूद डटे रहने पर चारों देशों को शुक्रिया अदा किया। भारत ने यूक्रेन सीमा पर तनावपूर्ण हालात को लेकर चर्चा के लिए होने वाली बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में प्रक्रियागत मतदान में भाग नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रथम उपस्थायी प्रतिनिधि दमित्री पुलस्की ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस के एक ट्वीट के जवाब में ट्विटर पर लिखा है कि जैसा हमने उम्मीद की थी, ये एक जनसंपर्क हथकंडे के अलावा और कुछ नहीं है और हम भारत और चीन समेत उन देशों को धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं जिन्होंने अमेरिका के दबाव के बावजूद भी नहीं झुके हैं। इस तरीके से रशिया ने भारत का शुक्रिया अदा किया। एक और अपडेट लेते हैं, पाकिस्तान कोर्ट ने नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान की एक अदालत ने अबदस्त पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कथित तौर पर अवैध रूप से हासिल की गई जमीन से जुड़े 34 साल पुराने मामले में सोमवार को भगोड़ा घोषित किया। इस मामले में अदालत ने शरीफ की मदद करने के आरोप में देश के सबसे बड़े मीडिया समूह के मालिक मीर सकीलुर रहमान को बरी कर दिया। रहमान पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया समूह जंग के मालिक हैं। इस समूह में देश के कुछ सबसे बड़े समाचार पत्र और जियो टेलीविजन नेटवर्क शामिल है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने रहमान को इस मामले में मार्च 2020 में गिरफ्तार किया था और उसी वर्ष नवंबर में सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। एक और अपडेट, श्रीलंका ने शिकार करने के आरोप में भारत के 21 मछुआरों को गिरफ्तार किया। मछली पकड़ने के 2 ट्रॉलर भी हुए जब्त। दरअसल श्रीलंका की नौसेना ने मंगलवार को कहा है कि उसने स्थानीय मछुआरों द्वारा सतर्क किए जाने के बाद देश के क्षेत्रीय जल में कथित रूप से अवैध शिकार करने के आरोप में 21 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मछली पकड़ने के 2 ट्रॉलर भी जब्त कर लिए गए। यह घटना तब हुई जब स्थानीय मछुआरे उत्तर में भारतीयों की मछली पकड़ने के लिए श्रीलंकाई जल में प्रवेश करने से रोकने के लिए 1 सप्ताह से अधिक समय से विरोध कर रहे हैं। 2 भारतीय नौकाओं को स्थानीय मछुआरों ने सोमवार की मध्यरात्रि के आसपास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में श्रीलंका हिस्से में पॉइंट पेट्रो के तट पर देखा था। नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन इंडिका सिल्वा ने कहा है कि भारतीय मछुआरों और 2 नौकाओं को मछली पकड़ने के निरीक्षण में आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने हिरासत में सौंप दिया गया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर, गुजरात में पाकिस्तान का दुस्साहस, बीएसएफ के जवानों ने कच्छ के क्रीक बॉर्डर पर पाक नागरिक समेत 3 बोट पकड़ी है। दरअसल गुजरात के एक बार फिर से पाकिस्तानी नागरिकों ने दुस्साहस किया। बता दें कच्छ के क्रीक बॉर्डर में 3 पाकिस्तानी नाव समेत पाकिस्तानी फिशरमैन पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, इसी दौरान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी नाव देखी। जवानों ने तत्काल प्रभाव से नाव को अपने कब्जे में ले लिया। बीएसएफ के जवानों की ओर से की गई इस कार्रवाई में जहां एक पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया, वहीं बाकी मछुआरे नाव छोड़कर भाग गए। बीएसएफ ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तानी नाव अपने मछुआरे पकड़े गए हों। हाल ही में पाकिस्तान के कराची से लाई जा रही 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स को हाल ही में ATM की टीम ने गुजरात में पकड़ा था। पाकिस्तानी बोट में कराची के बड़े ड्रग माफिया हाजी हसन का बेटा साजिश सवार था। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंचा मामला, छात्रा बोली हिजाब पहनना संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। दरअसल कर्नाटका के मंगलुरु शहर के उडुपी जिले स्थित एक सरकारी महिला कॉलेज की छात्रा ने कर्नाटका हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करके कक्षा के भीतर हिजाब पहनने का अधिकार दिए जाने का अनुरोध किया। छात्रा रेशम फारूक ने यह याचिका दायर की है। रेशम का प्रतिनिधित्व उनके भाई मुबारक फारूक ने किया। याचिकाकर्ता ने कहा है कि छात्राओं को हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत दिया गया था, मौलिक अधिकार है और इस्लाम के तहत ये एक
आवश्यक प्रथा है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि उसे और उनकी अन्य सहपाठियों को कॉलेज प्रशासन के हस्तक्षेप के बिना हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की परमिशन दी जाए। याचिका में कहा गया है कि कॉलेज ने इस्लाम धर्म का पालन करने वाली 8 छात्राओं को प्रवेश नहीं करने दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूट्यूब पर 1 करोड़ के पार हुआ पीएम मोदी के सब्सक्राइबर, पीएम ने किया टॉप नेशनल लीडर्स में राहुल गांधी आगे। दरअसल आपको बता दें YouTube सब्सक्राइबर्स के मामले में वैश्विक नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे हैं। उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के YouTube पर सब्सक्राइबर की संख्या 36 लाख है, जबकि मैक्सिको के राष्ट्रपति के पास 30 लाख है। वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पास 28 लाख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस पर 19 लाख सब्सक्राइबर ही हैं। राहुल गांधी के पास 5 लाख है। राहुल गांधी YouTube सब्सक्राइबर्स के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए देश में, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगे हैं पीएम मोदी के बाद, और उन्हें 5.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। असदुद्दीन ओवैसी पे भी लगभग 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने पूरी दुनिया भर में इस मामले में भी टॉप पर हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर इनकम टैक्स की रेड, बेसमेंट में मिले 650 लाख और अब तक 3 करोड़ रुपए बरामद। दरअसल यूपी के नोएडा सेक्टर 50 में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के परिसरों में तलाशी अभियान चलाने वाले आयकर विभाग ने कई 100 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की है। पूर्व आईपीएस के घर इनकम टैक्स की रेड में अब तक 3 करोड़ रुपए मिले हैं। इनकम टैक्स के सर्वे में देर रात 1 बजे 3 लॉकर खोले गए हैं। लॉकर से करीब 3 करोड़ रुपए की नकदी मिली। ये लॉकर जिनके हैं, आयकर विभाग को उनकी तलाश है। नोटों की गिनती के लिए मशीन लगाई गई। रात करीब 3 बजे से ही नोटों की गिनती जारी है और ये बेनामी संपत्ति 3 संदिग्ध लोगों के हैं। इनकम टैक्स की टीम संदिग्ध लोगों की बेनामी संपत्तियों को तलाशने में जुटी है। सेक्टर 50 में आयकर विभाग ने मानसम कंपनी के दफ्तर में सर्वे किया था। एक और अपडेट, हिंदुओं की हार का बदला, टीएमसी पर गंभीर आरोप, सीबीआई ने ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट को बताया जिम्मेदार। जी हां, दरअसल पश्चिम बंगाल में पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर हार के बाद हिंदुओं से बदला लिया। दरअसल इस सीट से ममता बनर्जी बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। टीएमसी के पोलिंग एजेंट के प्रियान की प्री अरेस्ट वेल का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा है कि इस व्यक्ति ने हिंदुओं को सबक सिखाने की साजिश रची जिन्होंने नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी को वोट दिया था। एसके सुपियान पर ये बातें हुई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, कन्हैया कुमार के लखनऊ में फेंकी गई स्याही, कांग्रेस ने बताया ऐसी डटे। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार पर मंगलवार को पार्टी का मुख्यालय पर एक युवक ने स्याही फेंक दी। इसके बाद मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई कर दी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक कन्हैया कुमार उस वक्त स्याही फेंकी गई जब वो लखनऊ सेंट्रल सीट के कांग्रेस उम्मीदवार सदफ जफर के नॉमिनेशन में हिस्सा लेने वहां पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस कन्हैया कुमार ने लखनऊ की गलियों में कांग्रेस के लिए वोट भी मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नई हो रही है, पुराने लोग छोड़ रहे हैं लेकिन नए लोग शामिल भी हो रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, दंगा, राजनी और लाल टोपी सुरक्षा के लिए खतरा, अखिलेश पर मेरठ में सीएम योगी जमकर बरसे। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होगी। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हैं। भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने के मकसद से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। यूपी चुनाव में प्रचार के लिए मंगलवार को मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है और कहा कि लाल टोपी सुरक्षा के लिए खतरा है। बगैर अखिलेश यादव का नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इनकी लाल टोपी ही सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है। एक और अपडेट, ट्विटर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की कड़ी चेतावनी, कानून भारतीय कानून का पालन करें या फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेट लें। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर को भारतीय कानून
का पालन करने या फिर देश से बाहर जाने की चेतावनी जारी कर दी है। हाईकोर्ट की चेतावनी ट्विटर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट को वापस लेने के आदेश का पालन नहीं करने के संबंध में आई है। मामले को 7 फरवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था। मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश एम सत्यनारायण मूर्ति की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कहा है कि ट्विटर को यह बताना चाहिए कि अगली सुनवाई से पहले विराम और ब्रेकिंग। देश की दो सैन्य कमानों को आज मिल रहे हैं नए मुखिया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले उप थल सेना अध्यक्ष। देश में भले ही अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेकिन देश के दो अहम उत्तरी और पूर्वी सैन्य कमानों को नया मुखिया मिल रहे हैं। सरकार पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तरी सैन्य कमान के प्रमुख के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और पूर्वी कमान के प्रमुख का जिम्मा लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को मिल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने 1 जून को महत्वपूर्ण पूर्वी सेना कमान के नए कमांडर के रूप में कार्यभार संभाला था, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से सैनिकों की तैनाती हो रही है वो कहीं ना कहीं कश्मीर से लेकर के लद्दाख तक चाइना और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात कर लें लेफ्टिनेंट जो अब उप थल सेना अध्यक्ष बनने वाले मनोज पांडे, वो कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए एक तरीके से कहर बनकर उनके टूटते हैं और उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं जिससे कई आतंकियों को सफाया कर चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं इनकम टैक्स में मायूसी। क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स, बड़ी खबर 10 बड़ी बातें बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया और इस बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट में महंगाई टैक्स से छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन महंगाई और टैक्स पर छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। देश में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने ये जरूर कहा है हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने के ऐलान हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी को वैध बताते हुए सरकार ने इस पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार इस साल 5G सेवा शुरू करेगी। गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स को ये राहत जरूर मिली है। ITR फाइल करने में 2 और साल तक की राहत दी गई है। गलती पता चलने पर 2 साल तक टैक्स चुराकर अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकेगा। इस तरीके से ये टैक्स पेयरों के लिए थोड़ी राहत है। मध्यम वर्ग को लेकर कोई बड़ी बात नहीं हुई है। यहाँ पर किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। तिलहनों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटली तरीके से खरीद बिक्री होगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर दायरे में इसके तहत बड़े वो बनेंगे। आपको बता दें 2.5 लाख करोड़ रुपये खाद्यान्न की MSP के तहत किसानों से खरीद की गई है। ये चीज़ें कही है। डिजिटल करेंसी शुरू करेगी सरकार। क्रिप्टो करेंसी पे 30% की छूट है। खत्म हुई बैंक पोस्ट ऑफिस की दूरियां। पैसे ट्रांसफर से सब कुछ होगा डिजिटल। खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी। PME विद्या का होगा 200 चैनलों तक विस्तार। LIC के IPO पर तेजी। इस साल और बढ़ेगी निजीकरण। MSP सेक्टर को 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज दिया गया, यानी MSME में बढ़ावा मिलेगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें जहां पर अमेरिका के हुए इंटरनेशनल विस्ती अमेरिकी संसद ने पाक राजदूत को बताया जिहादी और बेईमान इंसान, नियुक्ति खारिज करने की भी की मांग। पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी दुनिया भर में उनकी बदनामी का सबब बन रही है। इसका एक उदाहरण हाल ही में अमेरिका में देखने को मिला। रिपब्लिकन सांसद स्कॉट पेरी ने अमेरिका में पाकिस्तान के नए राजदूत मसूद खान को जिहादी और आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाला बताकर उनकी आलोचना की। इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन से उनकी नियुक्तियां खारिज करने की भी मांग की। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखे खत में स्कॉट पेरी ने कहा है कि मसूद खान आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाले बेईमान इंसान हैं, जो अमेरिकी हितों के साथ साथ अपने हमारे भारतीय सहयोगियों की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मसूद खान की नियुक्तियों को तुरंत खारिज करें। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान के चाहे राजदूत हों, पाकिस्तान के चाहे मंत्री हों, उन्हें एक आतंकी भरे निगाह से देखती हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर पाकिस्तान में पत्रकारों की हत्या हो रही है। अपहरण, इमरान खान के राज में गर्त में पहुंची प्रेस की आज़ादी।
मानवाधिकार आयोग ने बोला बड़ा हमला। दरअसल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि पिछले दो वर्षों की तुलना में 2021 में प्रेस की स्वतंत्रता कैसे खराब हुई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2021 शीर्षक वाली रिपोर्ट्स में CPME ने रविवार को मीडिया की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुँच को बाधित करने के उद्देश्य से रणनीति पर चिंता व्यक्त की। अगले 2021 में रिपोर्ट से पता चला कि कराची स्थित सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सामुदायिक पत्रकार नाजिम जोखियो सहित ड्यूटी के दौरान 5 पत्रकार मारे गए जिनका अपहरण और निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। इनमें कहा गया है कि कम से कम 9 पत्रकारों ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपनी जान गंवा दी जबकि 2 पत्रकारों ने बेरोजगारी कारण आत्महत्या कर ली। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही जहां पे यूक्रेन के मुद्दे पे भारत ने अमेरिका का छोड़ा साथ। बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर भारत ने नहीं दिया है अमेरिका का साथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारत ने सोमवार को यूक्रेन सीमा पर स्थिति पर चर्चा के लिए होने वाली बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC प्रतिक्रियात्मक मतदान में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। बैठक से पहले रूस एक स्थायी और वीटो धारक सदस्य ने निर्धारित करने के लिए एक प्रतीक